हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा डाइन से वाला। ब्रेन के दो पार्ट, ब्रेन के तीन पार्ट होगी, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन के अलग अलग टेक्टम, टेगमेंटम, सेप्टम पैलिडस या अलग अलग पार्ट है। इसके अंदर जब हम बात करें फॉर ब्रेन की, डाइन ब्रेन क्या है, फॉर ब्रेन का पार्ट। फॉर ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेलिन सिफिलन, एक होता है डाइन सिफिलन। टेलिन सिफिलन के अंदर हम बात पहले कर चुके हैं, सेरेब्रम है, जो हिप्पोकैम्पस है, तो अलग अलग पार्ट है, अमिगडाला है। अगर हम बात करें डाइसेफेलॉन की, डाइसेफेलॉन के अलग अलग होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, और इन दोनों के बाद बीच में जो होता है लिम्बिक सिस्टम और रास सिस्टम। अब हम बात करें डाइसेफेलॉन की, डाइसेफेलॉन की अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है, इसके अंदर तीन चार पार्ट करते हैं, यानी थैलेमस की। मोस्ट ऑफ जो डाइसेफेलॉन का 80% पार्ट कौन बनाता है, थैलेमस। और जो ये वेंट्रिकल होते हैं, जो ये लिटिल वेंट्रिकल हो गए, उसके बाद में जो थर्ड वेंट्रिकल और उसके बाद में आते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, देन थर्ड वेंट्रिकल के पास में कहां पर होते हैं लिटिल थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के पास में होते हैं ये थैलेमस। 80% बार बनाता है थर्ड वेंट्रिकल के पास में होता है, और ये क्या काम करते हैं, रिले सेंटर का काम करता है। यानी कोई भी अगर नर्व पास होती है तो सबसे पहले मैसेज जाएगा थैलेमस के बाद में, फिर आगे कन्वर्ट होगा। एक्सेप्शन एक अपवाद होती है ऑल फैक्ट्री किसके अंदर होती है, टेम्पोरल में। टेम्पोरल के अंदर की अगर बात करें तो टेम्पोरल के अंदर जो होता है 28 नंबर एरिया होता है, टेम्पोरल के अंदर 28 नंबर एरिया होता है, उसके अंदर होती है ऑल फैक्ट्री, जो करती है स्मेल का काम। ठीक है, इस ऑल फैक्ट्री नर्व को छोड़ के बाकी जो भी है पहले मैसेज आएगा थैलेमस के बाद में, फिर आगे कन्वर्ट होगा। 80% बार बनाता है थर्ड वेंट्रिकल के पास में, और ये यहां पर होती है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का कॉर्डेट न्यूक्लियस है, उसके साथ में मिलकर यहां पर फॉर्मेशन बनाती है, उसे कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस के बीच में, थैलेमस और कॉर्डेट न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस निकलता है उसे कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, और यहां पर जो ट्रैक्ट निकलेगा उसे कहते हैं प्रोजेक्टिंग ट्रैक्ट, ट्रैक्ट। और ये आगे कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ निकलेगा, उसे कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और ये दो तरीके से होता है, एक होता है लेटरल और एक होता है एंटीरियर, और दोनों के अंदर जो पिरामिड लाइक शेप बनी, पिरामिड टाइप की शेप बनेगी, इसलिए कहते हैं इसको पिरामिडल ट्रैक्ट। और इसके दूसरी तरफ से निकलेगा जो ट्रैक्ट निकलेगा, एग्जाम का जो निकलेगा गुच्छा निकलेगा, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। और इनके जो इंटरनल कैप्सूल निकलेगा उसको पिरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिलीज सेंटर का काम करता है। एक हो गया 80% बार बनाता है लिटिल वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ होता है, और रिले सेंटर का काम करता है। एक को छोड़ के ऑल फैक्ट्री पर छोड़ के सबके साथ ये रिले सेंटर का काम करता है, कौन, थैलेमस। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस जो बेसल गैंग्लिया के ये पार्ट है, कॉर्डेट न्यूक्लियस उसके साथ में मिलके काम करता है, और बीच में जो स्पेस बनता है उसके साथ में इंटरनल कैप्सूल बनता है। कोरोना रेडिट होती है वही इनके बीच में आके एक नाम होता है, दूसरा इंटरनल कैप्सूल बन जाता है। इनके बीच में जो ट्रैक निकलता है उसमें बहुत निकलते हैं प्रोजेक्टिंग ट्रैक, और जो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है उसे कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। इसके दो पार्ट होते हैं, एक लेटर की तरफ और एक एंटीरियर की तरफ, ये दोनों आपस में पिरामिड लेग से बनाते हैं, इसलिए कहते हैं पिरामिडल ट्रैक और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस एक डैमेज हो जाए तो कॉर्डेट न्यूक्लियस करता है डोपामीन का सेक्रेशन, ठीक है, और ये अगर डोपामीन का सेक्रेशन नहीं होगा तो पार्किंसन लाइक डिजीज होगी। ठीक है, ये तो होता है थैलेमस। दूसरा है मेटाथैलेमस। थैलेमस अब आता है
मेटाथैलेमस। एक हम पढ़ चुके हैं लेटर जेनिकुलेट बॉडी और मीडियस जेनिकुलेट बॉडी, जो आई के अंदर और ऑडिटरी के अंदर हेल्प करती है। मेटाथैलेमस के अंदर दो स्ट्रक्चर होती है, एक होती है लेटरल लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, एक होती है मीडियल जेनिकुलेट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी किसके अंदर हेल्प करती है? विजुअल परसेप्शन के लिए, विजुअल के लिए। और जो मीडियल काम करती है वो होती है ऑडिटरी के लिए। एक बार क्वेश्चन आएगा कि जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी वो कहां पर होती है, तो उसके अंदर था आई, ईयर, मेटाथैलेमस या हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये मेटाथैलेमस के अंदर थी। लेटरल जेनिकुलेट हेल्प किसके अंदर, जो ऑप्टिक प्लाज्मा बनता है, अगर हम नॉर्मली अगर बात करें तो ये नेजल फाइबर और इसके बाद में ये आज में टेम्पोरल फाइबर या आखिर में जाके यहाँ ऑप्टिक प्लाज्मा बनता है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है और फिर आती है ऑक्सिपिटल लोब के अंदर, जो 17 नंबर 17 18 19 होता है। 17 नंबर होता है वो विजुअल परसेप्शन के लिए, 18 नंबर होता है जो विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए और 19 आई बॉल के मूवमेंट के लिए। ये जो 17 18 के ऊपर जाती है, ठीक है, एरिया होता है ऑक्सिपिटल, यानी जो ये एरिया बनता है वो होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो सब करके आए आई के अंदर, लेकिन आई तो यही रह गई, तो ये पोर्शन ये हो रहा है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ऑप्टिक प्लाज्मा बनता है यहाँ पर, यानी ये मेटाथैलेमस के ऊपर, मेटाथैलेमस के पास में होती है कौन सी? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। और यहाँ पर भी होती है कौन? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑडिटरी के अंदर हेल्प करती है और ऑडिटरी होती है 41 और 42 के अंदर और ऑक्सीपिटल के अंदर होती है 17 18। 17 होती है विजुअल परसेप्शन के लिए और 18 होती है विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए। ये होता है मेटाथैलेमस के अंदर। हम बात करें एपिथैलेमस की, एपिथैलेमस, एपिथैलेमस क्या है? एपिथैलेमस के पास में होती है पीनियल ग्लैंड। अगर पीनियल ग्लैंड की पोजीशन पूछ जाए तो पीनियल ग्लैंड कहां होती है? तो एपिथैलेमस के पास में, बॉडी की सबसे स्मॉल ग्लैंड कौन होती है? पीनियल ग्लैंड। और ये हार्मोन निकालती है, इसे कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है और ये जो पीनियल ग्लैंड होती है यही डिक्रीज करके रखती है। यानी अगर मेलाटोनिन का अगर हम बात करें, मेलाटोनिन की तो ये विद कर्मानी पाती होती है एफएसएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेलाटोनिन जब तक बढ़ा हुआ रहेगा तब तक एफएसएस, एलएस और टेस्टोस्टेरोन, यानी जो प्यूबर्टी की एज तक ये मेलाटोनिन काम करता है, तभी ये क्या काम करता है? जो सेक्सुअल करेक्टर है, सेक्सुअल करेक्शन स्ट्रीक को इनहिबिट करके रखता है, ओविलेशन को भी, मेस्ट्रुअल साइकिल को भी। अगर एफएसएस नहीं होगा तो एस्ट्रोजन नहीं होगा और मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। यानी एफएसएस और एलएस के कारण ये मेस्ट्रुअल साइकिल को भी रोक के रखता है, तभी सब पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीनियल ग्लैंड है, इसके अंदर एट्रोपी होगी और इसके धीरे धीरे इसका इफेक्ट कम रहेगा, एफएसएस और एलएस का लेवल बढ़ेगा और मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी और जो सेक्स टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ेगा, इसके कारण सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलेंगे। ये होता है मेलाटोनिन के अंदर। और ये ग्लैंड कहां होती है? एपिथैलेमस के अंदर। और ये क्या करती है? सरकार्डियल रिदम को भी रखती है, सरकार्डियल जो रिदम बनती है, सरकार्डियल जो रिदम होती है, यानी स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? स्लीप वेक साइकिल को पीनियल ग्लैंड,
पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है वो एफएसएस एलएस और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इनहिबिट करता है, इसलिए ही प्यूबर्टी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये होती है एपिथैलेमस के अंदर। मेटाथैलेमस के अंदर लेटर जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है ऑडिटरी के लिए, जबकि लेटर जेनिकुलेट बॉडी विजुअल के लिए, आंखों के जो परसेप्शन के लिए हेल्प करती है। थैलेमस के अंदर, थैलेमस के अंदर बात करें तो मोस्टली 80% पार्ट बनाता है और ये थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ होता है। थर्ड वेंट्रिकल के नीचे की तरफ होता है तो हाइपोथैलेमस, ऊपर की तरफ एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस। और ये रिले सेंटर का काम करता है, ऑनली ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो 28 नंबर एरिया के अंदर जाती है टेम्पोरल लोब के अंदर, उसको छोड़ के बाकी सबका रिले सेंटर कौन सा होता है, थैलेमस, ठीक है। और ऐसे बेसल गैंग्लिया की बात करें तो बेसल गैंग्लिया के बीच आपस में मिलकर जो थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के बीच में आपस बनता है इंटरनल कैप्सूल, जहां पर प्रोजेक्टिंग ट्रैक भी बनता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी निकलता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के दो भाग होते हैं, एक होता है लेटरल की तरफ, लेटरल, और दूसरा होता है एंटीरियर। ये दोनों आपस में मिलकर पिरामिड लेग से बनाते, इसलिए पिरामिड ट्रैक भी कहते हैं। और जो ट्रैक बेसल गैंग्लिया की दूसरी तरफ से जाते हैं इंटरनल कैप्सूल में से नहीं जाते, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। बेसल गैंग्लिया का जो कॉर्डेड पार्ट है उसके अंदर अगर इफेक्ट हो जाए तो वो बनाता है डोपामीन, और ये इंजरी हो जाएगी तो डोपामीन का सिक्रेशन नहीं होगा और जो डिजीज होगी उसे कहते हैं पार्किंसन लाइक डिजीज। बेसल गैंग्लिया क्या कहता है, मोस्टली जो फाइन मूवमेंट होते हैं, फाइनली मोटर मूवमेंट, यानी सुई के अंदर धागा डालना, थ्रेडिंग ऑन द नीडल, या स्विमिंग करना, या वॉक करते समय जो हैंड का जो मूवमेंट होता है, नॉर्मल जो मूवमेंट होता है वो करने का, इंगल्फिंग ऑफ द जो म्यूकस है, यानी धूप को हम रिटते हैं, यानी जो ये म्यूकस को इंगल्फ करने का काम होता है, ये नॉर्मली काम हो गया फाइन ब्लिंकिंग ऑफ आई, यानी आई के मूवमेंट करना, इंगल्फिंग ऑफ द म्यूकस, ब्लिंकिंग ऑफ आई, थ्रेटनिंग ऑन द नीडल, जो फाइन मूवमेंट होते हैं वॉक के समय जो हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, तो फाइन मूवमेंट का काम कौन होता है, बेसल गैंग्लिया। और ये होते हैं अमदाइन से पहला टाइप थैलेमस, थैलेमस ऊपर की तरफ एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर और मास्टर ग्लैंड, इसके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। और ये पीनियल ग्लैंड है, ये सीक्रेट करती है एंटागोनिस्ट, सीक्रेट करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन क्या बनाता है, एफएसएस और एलएच, और इसका रिलीजिंग हार्मोन है, और ये इसको इनहिबिट करने के लिए इनहिबिट हार्मोन बनाती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसको इनहिबिट करने के लिए हार्मोन बनाती है, एंटागोनिस्ट का काम करती है, ये एफएसएस एलएच और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को दबा के रखेगा। ये होता है डाइसेफेलम।